बच्चे हमारे पास आए एक प्रोडक्ट बन के, एक अच्छा स्कोर बने उसका और वो एक अच्छा कॉलेज उसको मिले और नीट को वो हंसते खेलते क्रैक करें अपने अच्छे कॉलेज को और वो पहुंचे वहां पर, ये उद्देश्य लेके हम आए हैं। पार्टी की इसके ऊपर क्या रणनीति? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। लोकसभा इलेक्शन के अंदर समाजवादी पार्टी ने कोई सीट नहीं लड़ी थी, मगर विधानसभा इलेक्शन के अंदर समाजवादी पार्टी को 12 से 15 सीटें जो है वहां पर लड़ने की उम्मीद है। अगर समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में सम्मानजनक सीटें मिलती है तो हम अलायंस के साथ ही इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अब्बा आसिम आजमी साहब ने कहा है कि हम हमारे बलबूते के ऊपर महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ेंगे। 21 तारीख को समाजवादी पार्टी की प्रदेश कमेटी की बैठक हुई, जिसमें तमाम जिलों के जिलाध्यक्ष, नगर महानगर अध्यक्ष मौजूद थे, उनके सामने इस बात के ऊपर चर्चा की गई और जलगांव की सीटों के मामले के ऊपर उस मीटिंग के अंदर जलगांव की तरफ से रईस बाबान साहब प्रदेश महासचिव, प्रदेश सचिव भी थे, मैं महानगर अध्यक्ष भी था और अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष आसिफ पटेल साहब मौजूद थे, दानिश शेख साहब थे और रईस भाई थे। हम लोगों ने जलगांव के और रावेर विधानसभा मतदान संघ के ऊपर वहाँ चर्चा की। जलगांव से 3 कैंडिडेट मजबूत और रावेर से 2 कैंडिडेट जिनसे हमारी बात हो चुकी है, उनके नाम और उसके ऊपर स्ट्रेटेजी के ऊपर वहाँ पर चर्चा की गई। अब ये देखना है कि अगर हमारा प्रदेश कमेटी इसके ऊपर इलेक्शन के वक्त क्या डिसीजन लेती है, हम उनके जो आदेश है उसके हिसाब से यहाँ पर काम करेंगे। अब आसिम आजमी साहब ने कहा है कि आप यहाँ पर अपनी तैयारी पे लग जाओ, जब डिसीजन आएगा इंशाल्लाह हम उसके हिसाब से काम करेंगे। अभी आपने कहा कि 3 और 2 कैंडिडेट आपके पास है, क्या 3 कैंडिडेटों के नाम आप डिक्लेयर कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी जलगांव शहर से कैंडिडेट और रावेर से कैंडिडेट देना चाहती है और इंशाल्लाह जलगांव शहर से 3 कैंडिडेट मजबूत जो है जिनसे हमारी बात हुई है और रावेर से भी 2 लोगों की बात हुई है, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हिसाब से हम लोग ये नाम डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि जनाब अब्बू आजमी साहब का हमको अभी आदेश नहीं है। आजमी साहब से उनकी बात हुई है, हमारी अभी 21 तारीख की मीटिंग में आजमी साहब से मैंने जलगांव और रावेर की पूरा वोटिंग परसेंटेज और पूरा बायोडाटा हम लोगों ने रिजवान भाई और मैंने आजमी साहब के पास में हम लोगों ने दिए, परवेश भाई प्रदेश महासचिव परवेश सिद्दीकी साहब और फहद अहमद को भी हमने पूरा बायोडाटा दिए है दोनों विधानसभा क्षेत्र का। अभी उसके बाद में अगर अलायंस के साथ में हमारा काम होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आदमी साहब ने आपको बोला है कि बिल्कुल खुलकर मैदान में उतर जाओ और हम लोग इंशाल्लाह बहुत ताकत से यहाँ पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं अगर आदमी साहब का आदेश रहा। और रही बात, आप लोगों ने बोले कि 3 नाम, ये जो नाम है तो ये आदमी साहब का जब भी आदेश रहेगा डिक्लेयर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा।